हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, उनकी फिल्म जो है तू झूठी मैं मक्कार बस हाल ही में कुछ दिनों में आने वाली, इनफैक्ट घंटों में आ जाने वाली आपके सामने। उसका रिव्यू जब होगा मैं वो भी आपको दे दूंगी। बट हुआ क्या, मैं हाल फिलहाल उनसे मिलकर आ रही हूं और उनका इंटरव्यू था मेरा, और इंटरव्यू में हमने बहुत सारी बातें की हैं, फिल्म से रिलेटेड बातें की हैं, उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें की हैं, बहुत सारी बातें हैं, होली से रिलेटेड भी बातें की हैं। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा है कि जब मुझे रणबीर मिल ही गए थे और पवन का केसरिया मुझे भयानक पसंद ही आता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे इंटरव्यू में मैं एक जिक्र भी ना छेड़ूं। पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन बात तो निकलवा कर रहूंगी मैं, ये सोच कर गई थी और वो बात जो तय करके गई थी वो हो भी गई। हुआ क्या कि जब मैं उनसे बात कर रही थी, हमारे इंटरव्यूज जब चल रहे थे, तो कुछ मेरे मित्र भी बैठे थे आसपास, मैंने यूं ही पूछा कि चलिए संगीत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैं जब उनसे मिली हूँ तो बहुत बार संगीत के बारे में हमारी बातें होती रहती, तो ही वाज आल्सो कि हाँ हाँ ये पूछेगी जरूर। सो देन आई आस्क्ड कि केसरिया ये वाला जो गाना है ये बहुत फेमस हो रहा है हाल ही में, एक विदेश में जब पवन जब गया था व्हेन ही वाज इन मालदीव्स, तो वहां पर ही परफॉर्म देयर, और फिर वहां की जो हाई कमीशन है उन लोगों ने बहुत ज्यादा केसरिया की तारीफ की पवन की आवाज में जब उन्होंने गाया था, और कैसे सॉन्ग और म्यूजिक की वजह से अलग अलग कल्चर साथ में आ जाते हैं, ये वाली बात भी कही थी। तो मैंने इसी का रेफरेंस देते हुए उनसे पूछा कि जब कोई सिंगर गाता है उसे पसंद किया जाता है तो हाउ डू यू फील, क्या आपको भी वहाँ होना चाहिए या आपको अच्छा लगता है। तो पूछते से ही तुरंत जवाब मिल गया और उन्हें बहुत सुंदर बातें कही इस गाने से रिलेटेड। हाल ही में एक केसरिया जो दूसरे देश में गाया गया, वहाँ की एम्बेसी ने तब इसको एक्सेप्ट किया, कहा जस्ट सिंगर ने गाया, बहुत सुंदर गाया। मेलोडी ऑफकोर्स वॉज ब्यूटिफुल, अरिजीत सिंगिंग, एवरीथिंग जस्ट काइंड ऑफ फेल इन टू प्लेस एंड इट बिकेम सच अ रेज। सो म्यूजिक एक ऐसी चीज है दैट यू नो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट्स वेरी हार्ड, एंड स्पेशली टू वर्क विद अ जीनियस लाइक प्रीतम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज, यू हैव टू ऑल बिकॉज ही विल कीप चेंजिंग, यू हैव टू नो एज अ डायरेक्टर ने मुझे यही चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। बट दैट मैन डिलीवर्स एंड ही इज डिलीवर्ड सो मच फॉर मी दैट यू नो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई करियर एज मच एज अ डायरेक्टर और एक्टर्स और राइटर्स, यू नो ही इज राइट अप देयर। And I've always come from the belief that actors are known for their songs. Eventually, जब हम आज Shammi Kapoor के बारे में बात करते हैं, Rajesh Khanna के बारे में बात करते हैं, the first thing that comes to us are their songs. So I enjoy this process. I keep irritating love कि तू कब प्रीतम दादा के पास जा रहा है, मैं भी चलता हूँ। He keeps saying नहीं तू मत आ, फिर हम सिर्फ time pass करेंगे, वो प्रीतम दादा काम नहीं करेगा। But I enjoy this process of creating, of ये मुझे धुन सुनाता था, and then finally how he used to. First of all, he doesn't record the song till the day of release. वो आपको 30% गाना देगा, कोई दूसरा सिंगर गा रहा है, कोई रिदम अलग है, बट इवेंचुअली व्हाट ही डिलीवर्स इज समथिंग व्हिच इज दैट यू कांट इवन बिलीव दैट ही रियली नोज द इंडियन पल्स, ही रियली नोज व्हाट ऑडियंस इज लाइक इन म्यूजिक। ही इज समबडी हु इज कॉन्स्टेंटली री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ, री इन्वेंटिंग साउंड। सो इट्स बीन रियली अ प्लेजर फ्रेंड्स। पवनदीप और ऋषि दोनों ने ये गाना गाया, इनफैक्ट अभी तो जब इंडियन आइडल में रणबीर वॉज देयर दैट टाइम ही आस्क्ड ऋषि टू सिंग दिस सॉन्ग। सो मुझे सर्टनली और भी कुछ एक बातें मेरी हुई हैं इंडियन आइडल से रिलेटेड, अगली स्टोरी जब भी मैं पॉसिबल होता है मैं पुट करूंगी, तो इंडियन आइडल के बारे में उनका क्या कहना है मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ, और ये भी बताऊंगी कि कैसे अच्छा उनको कौन से लोग पसंद आ गए हैं, मैं इसके बारे में भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हाल फिलहाल तो ये बताइए, जब मालदीव्स के हाई कमीशन ने पवनदीप की इतनी बड़ी तारीफ की है और ये बात रणबीर को मालूम पड़ जाती है, तो मज़ा आया ना, मुझे बहुत मज़ा आया बातचीत करते हुए। आप I want to say, यार, I just love this song, जब पवनदीप वाला गाना गाते हैं। अब आप अपने लिखिए, news, information और रणबीर की बातें आपको कैसे लगी? जय हिंद।